हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। गाइस, आई नो आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्किन को रिटच एंड विदाउट लूजिंग आवर टेक्सचर। अब वैसे तो आपको बहुत सारी टेक्निक्स पता होगी स्किन को स्मूथ करने की, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, बट दिक्कत क्या होता है ना, स्किन को स्मूथ करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल नकली लगती है, प्लास्टिक की लगती है, बहुत ज्यादा स्मूथ लगती है, एंड जो हमारी फोटो में टेक्सचर होता है, रियल जो स्किन के पोर्स होते हैं, वो सारी चीजें गायब हो जाती है। बट डोंट वरी गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग अपनी स्किन को रिटच करना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाओगे, एंड आई एम श्योर कि अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ गई तो आप इसका यूज करने वाले हो अपनी सारी फोटो एडिटिंग में। सो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नए हो तो, सब्सक्राइब कर दिए, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे आपको बता दूं, ये जो टेक्निक होती है जहाँ पे आपकी स्किन का टेक्सचर भी रहता है एंड आपकी स्किन स्मूथ भी रहती है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। अब देखिए, आपकी फोटो बेसिकली दो चीजों से बनती है, टेक्सचर एंड कलर। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बेसिकली करता क्या है कि टेक्सचर एंड कलर्स को अलग अलग लेयर पे लेके आता है, एंड आपको जो स्किन स्मूथ करनी होती है वहाँ पे जस्ट आपको अपने कलर को स्मूथ करना होता है, आपका टेक्सचर बिल्कुल नहीं छेड़ना होता है। तो इससे होगा ये कि आपकी फोटो में ओरिजिनल जो टेक्सचर है फोटो का वो भी रहेगा एंड आपके कलर भी स्मूथ हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस टेक्निक को आप पिक्सआर्ट मोबाइल के अंदर कैसे कर सकते हो। तो भाई चलिए, ये मेरी फोटो जहाँ पे मेरी स्किन बहुत ही क्लोज अप है एंड आपको बहुत इंतजार था इस फोटो के ट्यूटोरियल का। तो यहाँ पे देखिए, स्किन बहुत ही खराब है, बहुत ज़्यादा रफ है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले फोटो को शेयर करते हैं, ले चलते हैं पिक्सआर्ट मोबाइल के अंदर, वहीं पर हम सारी एडिटिंग करेंगे। तो मैंने पिक्सआर्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आपको जो बड़े बड़े पिंपल्स आपकी फोटो में, जिनका आपको टेक्सचर नहीं चाहिए अपनी फोटो में, उनको रिमूव करना है। जैसे ये देखिए, ये है एंड ये है बहुत सारे, तो इसको कैसे करना है, आपको जाना है ऐसे ब्यूटीफाई के अंदर, एंड यहाँ पे देखिए ब्लेमिश का एक ऑप्शन होता है हमारे पास, यहाँ पे सिंपली देखिए ब्लेमिश पे हम क्लिक करेंगे एंड जस्ट हम ऐसे पेंट करेंगे, इस पर टैप करके छोड़ देंगे, साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो देखिए ये इसको बिल्कुल गायब कर लेगा। वैसे आप ये चीज़ क्लोनिंग से भी कर सकते हैं अगर आप मैन्युअली करना चाहो क्लोनिंग से, बट ये तरीका भी बेस्ट है, ऑटोमेटिक हो जाता है, जस्ट आपको ऐसे टैप करना है। सो देखिए, आई थिंक यहाँ पे जो बड़े बड़े पिंपल्स थे वो हमने ऑलमोस्ट गायब कर लिए हैं, इसको करते हैं टिक। अब देखिए, ये स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको इसको टिक करना है यहाँ से, एंड सबसे पहले आपको जाना है यहाँ से इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ से आपको जाना है आर्टिस्टिक के अंदर, एंड यहाँ पे देखिए एम्बॉस का एक ऑप्शन होता है लास्ट में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड इसको जस्ट आपको डन कर लेना है। सो यहाँ पे देखिए स्किन का ये टेक्सचर इसने ले लिया है। इस फोटो को आपको कर लेना है सेव, तो ये फोटो गैलरी में सेव हो चुकी है। अब हम करेंगे बैक एंड वापस हमारी फोटो जैसी थी वैसी हो चुकी है। अब इसमें अपनी स्किन को हम स्मूथ कर लेंगे पहले, तो ब्यूटीफाई में चलते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से स्मूथ करते हैं। यहाँ पे देखिए स्मूथ एंड ऑटो पे मैंने क्लिक किया है, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली हमारी स्किन को स्मूथ कर लिया इसने, इसको हम और बढ़ा लेते हैं, डन, इसको दोबारा से और बढ़ा लेते हैं। वैसे आप ये स्मूथ वाला पार्ट किसी भी ऐप के अंदर कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, आप चाहो तो फोटोशॉप फिक्स के अंदर भी कर सकते हो, या आप चाहो स्केचबुक के अंदर भी कर सकते हो, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको पार्ट कर लेना है। स्किन हमारी स्मूथ हो चुकी है, आप देखिए, अगर आपको और ज़्यादा स्मूथ करनी है तो और स्मूथ कर लेते हैं एंड डन। सो देखिए स्किन हमारी बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ हो चुकी है, बस यहाँ पे क्या लग रहा है कि स्किन में टेक्सचर नहीं लग रहा है, तो अब हम टेक्सचर ऐड करेंगे, इसको डन करते हैं। एंड टेक्सचर कैसे ऐड करेंगे, आपको सिंपली चलना है यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर, एंड ड्रॉ के अंदर आपको यहाँ पे लेयर पैनल में आना है, यहाँ पे ऐड करना है यहाँ से फोटो लेयर, एंड जो हमारी ये टेक्सचर वाली फोटो थी ये, इसको हम सिंपली यहाँ पे लेके आएंगे, डन, ये एग्जैक्ट हमारी फोटो के ऊपर आ जाएगी। अब इसका जस्ट आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, एंड ब्लेंडिंग मोड आपको क्या रखना है, नॉर्मल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग मोड हमें रखना है इसका ओवरले। तो देखिए ओवरले रखते ही फोटो में कितना टेक्सचर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आईज की कितनी क्लैरिटी बढ़ रही है एंड हर चीज़ कितनी शार्प लग रही है। वैसे आपको यूट्यूब के कंप्रेशन में ये नहीं दिख रहा होगा, आप वीडियो की क्वालिटी पूरी 1080p पे करिए तब आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल आ रही है, एंड यहाँ पे देखिए टेक्सचर पूरा वापस आ चुका है, बहुत ही सही लग रहा है जो कि, एंड बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही है फोटो यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टेक्सचर लग रहा हो, ज़्यादा शार्पनेस लग रही हो, आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, तो इसको मैं अराउंड रखूँगा 80% के आसपास एंड डन। अब आप देखिए स्किन भी स्मूथ है फोटो में, लेकिन टेक्सचर भी हमारा यहीं पर, कोई भी चीज़ गायब नहीं हुई टेक्सचर की, एंड बिफोर आफ्टर आप देखिए बहुत ही सही हमारी फोटो यहाँ पर रिटच हुई है टेक्सचर के साथ। सो यहाँ पे देखिए हमने स्किन को बहुत अच्छे से रिटच कर लिया है टेक्सचर के साथ। अब इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि डॉज एंड बर्न करना, तो डॉज एंड बर्न के लिए हम चलते हैं यहाँ से टूल्स के अंदर एंड कर्व को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, इरेजर पे चलते हैं, इन्वर्ट करते हैं, रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, साइज़ बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, एंड हार्डनेस बिल्कुल कम, ओपेसिटी अराउंड 10% के आसपास, एंड साइज़ थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। फिर आपको जहाँ पे डॉज करना है वहाँ पे जस्ट ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है, एंड सी यहाँ पे कितना सही हमारी फोटो में ये डॉज एंड बर्न भी हो चुका है, डन। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लगा तो आप इसको कम भी कर सकते हैं एंड डन। इसके बाद आप अपने फेस को रीशेप कर सकते हैं, जैसे ब्यूटीफाई में जाके यहाँ पे चलूँगा मैं एंड फेस पे हम क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखिए हम नोज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड फेस को हम थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं
एंड लिप्स को हम थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं एंड डन। सो देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है, स्किन भी स्मूथ हो चुकी है एंड रीशेपिंग भी हो चुकी है फेस की। अब यहाँ पे आप अपनी आइज़ को भी करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी आइज़ देखिए बहुत ही बोरिंग सी लग रही है, तो यहाँ पे जस्ट अगर मैं एक आइज़ का PNG ऐड कर दूँगा, आई लेंस का PNG, तो हमारी आइज़ बहुत अट्रैक्टिव से लग जाएंगी एंड फोटो बहुत ही मस्त लगेगी। तो देखिए यहाँ पर हम चलेंगे एंड एक आई का PNG मैं लूँगा यहाँ से। वैसे आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स की IPNG डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैंने बहुत से IPNG अपलोड कर रखे अपनी वेबसाइट पर, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अलग अलग कलर्स के, बट मेरे को ये ब्राउन कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख दूँगा जस्ट, एंड इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। ब्लेंड का ना ये रहा ब्लेंड, एंड इसको हम रखेंगे लाइटन, रखने पे ज़्यादा सही लग रहा है। वैसे आप देख लेना कौन सा ब्लेंड मोड सही लग रहा है। फिर हम इरेजर पे जाएंगे एंड देखिए इसको ऊपर से हम इरेज कर लेंगे, इसका साइज़ बढ़ा के। एंड डन, यहाँ पे देखिए आइज़ पे ये लग चुका है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसके हम ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सही लग रहा है। अब इसको ही हम कॉपी कर लेंगे डुप्लीकेट, एंड इसको हम दूसरी आंख पे रख लेंगे। एंड डन, यहाँ पे दोनों आंखों पे हमारी IPNG लग चुकी है इस तरीके से। देखिए आइज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है अब, यहाँ पे ये फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको आप बाद में कलर ग्रेड एंड कलर करेक्ट भी कर सकते हो लाइटर मोबाइल के अंदर, वो एक अलग प्रोसेस है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ उस चीज़ के ऊपर बना रखी है। मेनली यहाँ पे आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की जो टेक्निक है वो कैसे काम करती है। आपने देख लिया स्किन में टेक्स्चर कितना ज़्यादा है, एंड कोई भी चीज़ हमारी मतलब लॉस नहीं हुई टेक्स्चर की, क्वालिटी शार्पनेस सब चीज़ें बिल्कुल ऐसी है। एंड इस टेक्निक का यूज़ आप अपनी फोटो में एक्स्ट्रा शार्पनेस ऐड करने के लिए भी कर सकते हो। जैसे आप देखिए स्किन के अलावा जो भी पार्ट है, जैसे यहाँ पे देखिए जैकेट का पार्ट है, ये पहले इतना शार्प नहीं था लेकिन इस टेक्निक के बाद बहुत ज़्यादा शार्प लग रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फोटो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल शार्प सी पोस्ट हो, तो आप इस टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हो अपनी पूरी फोटो में, एंड आई थिंक ये टेक्निक बहुत ही बेस्ट है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये टेक्निक फोटोशॉप के अंदर भी होती है एंड वहाँ पे थोड़ा सा ईजी होता है करना। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने फोटोशॉप का क्यों नहीं बनाया वीडियो, तो यार फोटोशॉप की ऑडियंस अभी कम है, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग फोटोशॉप नहीं चलाते हैं। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ फोटोशॉप के अंदर, ये टेक्निक आपको बताऊँगी कैसे आप ये कर सकते हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए फोटोशॉप की वीडियो जरूर से लेकर आऊंगा। वेल, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस ट्रिक का यूज कर पाएं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टेक्निक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि फोटोशॉप में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट जरूर करिए वो भी। और भाई अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, ऐसी कमाल की वीडियोस में डालता ही रहता हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।